हेलो फ्रेंड, मुझे ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 324 के बारे में। दोस्तों, धारा 324 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी को खतरनाक हथियार से शारीरिक चोट पहुँचाता है तो उसको धारा 324 के तहत दंडित किया जाएगा। अब हम इसको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही डिटेल से देखते हैं कि धारा 324 में क्या बातें लिखी गई है, कौन सी बातें बताई गई है। तो इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को खतरनाक हथियार के तौर पर उपयोग में लाया जाए जिससे मृत्यु कारित हो सकता है, या किसी गर्म पदार्थ या विषैले पदार्थ के उपयोग में शारीरिक चोट पहुंचाता है तो उसे धारा 324 के तहत दंडित किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको इसमें बहुत ही डिटेल से बता दूं कि खतरनाक हथियार से, यानी कोई ऐसा लाठी हो गया, कोई डंडे हो गए, इससे किसी व्यक्ति के शरीर पे प्रहार करता है, उसको चोट पहुंचाता है और उस व्यक्ति को उस खतरनाक हथियार से चोट पहुंचता है तो ऐसे व्यक्ति को धारा 324 के तहत दंडित किया जाता है। दोस्तों, इसमें जो सजा है उसमें 3 वर्ष का कारावास हो सकता है या जुर्माना भी लग सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, धारा 324 जो है संज्ञेय अपराध है। जब ऐसा मामला जब पुलिस थाने में जाएगा तो पुलिस उसमें तत्काल FIR दर्ज करेगी और उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी करेगी, यानी यह अजमानतीय अपराध में धारा 324 आता है। दोस्तों, धारा 324 जो है बिना मजिस्ट्रेट के मर्जी के बिना बाहर से समझौता नहीं किया जा सकता। अगर कोई पार्टी चाहता है कि हम आपस में समझौता कर लें और FIR को वापस ले लें तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि कोर्ट को उसमें परमिशन लेना पड़ेगा और धारा 324 जो है किसी भी मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल चल सकता है। दोस्तों, अभी आपने धारा 324 को बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपने अभी तक विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर से मैं किसी नए टॉपिक पे, किसी नए धाराओं पे बहुत जल्द मिलूंगा। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।